So hello, good evening guys. This is your educator Anup Kumar Singh and this is a kind of a brief information about me. I have cracked some examination in the pre in 2017 and WBCS in the 2017 as well, UPSC and the PCS aspirant, a teacher of biology and social science. If you have any query, any doubts, you can mail me on my email address as well as you can message me. And teaching and learning is my passion. I am a biotechnologist. And right now I am teaching in some reputed good school. So sorry for the bad light. Sorry for because I think the visibility is quite low. But I hope that my voice is audible and this video is clearly visible to all of you. So without using a single second, let's start today's video learning session. So in our previous class, we have started about the NCERT Class 9 French Revolution Part 3. I have explained the small information and each and everything. So where we have witnessed, where we have seen that the National Assembly was formed and it drafted the constitution by which the France becomes the constitutional monarchy, right? Now, यहाँ तक हम देख चुके थे, समझ चुके थे. आई विल बी बाइलिंगुअल, डोंट वरी. अब आगे क्या होता है, नाउ द नेशनल असेंबली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विच वॉज नॉट अ डाइजेस्टिव थिंग फॉर लुइस 16. यानी जो नेशनल असेंबली थी वो फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो घोषित कर दी थी, पर किसी भी राजा के लिए, किसी भी शासक के लिए ये कतई हजम करने वाली चीज़ होती नहीं, या फिर उसके लिए वो कभी नहीं चाहेगा, खासकर जो अगर वो राजा लुईस 16 हो, कि उसके ही राज्य में, राइट, उसके ही रेन में, उसके ही किंगशिप में, उसके किंगडम में कोई एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कोई एक और रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने वाला हो. एंड ही डजेंट वांट अ सेपरेट गवर्नमेंट, ही डजेंट वांट सेपरेट दैट अथॉरिटी. सो ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल. नाउ द अदर मोनार्कीज आल्सो फेल्ट थ्रेट बाय दिस रिवोल्यूशन, सच एज प्रूशिया और पर्शिया, राइट, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, स्पेन एटसेट्रा. यानी फ्रांस के साथ साथ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द फ्रांस लाइक द फ्रांस प्रूशिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, दे ऑल्सो फेल्ट अ काइंड ऑफ अ थ्रेट, अ काइंड ऑफ अ स्केयर्ड बाई द एक्टिविटीज विच अल्टीमेटली हैपेंड इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द फ्रांस. उनको भी डर लगा कि कहीं हमारे साथ भी, हमारे लोग भी कहीं विद्रोह ना करते, हमारे साथ भी हमारे पब्लिक, कहीं हमारी जनता, कहीं हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाए. तो उनके मन में भी ये डर की भावना कहीं ना कहीं आ गई थी. अब क्या था, जो किंग थे, हियर किंग मीन्स द लुईस 16, राइट, हियर द किंग वॉन्टेड टू गेन हिज पावर एंड ही टाइड अप विथ प्रूशिया एंड ऑल्सो वन कंट्री दैट इज ऑस्ट्रिया एंड वॉन्टेड टू डेमोलिश दिस रेवोल्यूशन, राइट. What happened? Now, अब राजा को अपनी सत्ता वापस लेनी थी, उनको वापस गद्दी पे बैठना था, पर वो तभी मुमकिन था जब वो इस रेवोल्यूशन जो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, मिडिल क्लास जो पीपल्स थे वो उग्र होते जा रहे थे, उनको शांत कर पाते. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही ऑफकोर्स ही इज अ किंग, देन देयर फोर ही हैव अ गुड रिलेशन विद द अदर किंग्स एज वेल. सो ही जस्ट टाइड अप जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के राजा थे, जिनके मन में भी ये डर था कि कहीं हमारे यहाँ पे रिवोल्यूशन ना हो जाए, उनके साथ वो टाई अप करते हैं और वो कोशिश में लगते हैं क्यों ना हम मिलकर इस रिवोल्यूशन को यहीं दबा दें ताकि ये आगे ना फैल सके. बट बिफोर दिस, ऐसा होता उसके पहले ही नेशनल असेंबली इन 1792 वोटेड टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया एज दे वेयर द एलाई ऑफ द किंग. नाउ व्हेनेवर आई सेड द एलाई, इट मींस सहयोगी और द फ्रेंड, राइट, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके साथ निभाए. इसके पहले कि वो अटैक करते, नेशनल असेंबली को ये बात कहीं से खबर लग जाती है एंड इन द ईयर 1792 दे डिक्लेयर्ड वॉर, दे प्रपोज्ड अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट जिसमें ये तय किया जाता है कि हम वी विल डायरेक्टली गोइंग टू अटैक ऑन द ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया बिकॉज दीज आर द कंट्रीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग द फ्रांस, जो हमारी इस रेवोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं. तो वो क्या करते हैं, जाके सीधे उसके खिलाफ वार की घोषणा कर देते हैं. कौन घोषणा करता है, द नेशनल असेंबली जो न्यूली फॉर्म्ड रहता है, राइट, बिकॉज दे वेयर द अलाई ऑफ द किंग. नाउ लेट्स सी वॉट हैपन इन द नेक्स्ट स्लाइड. Now, thousands of volunteers, countrymen, joined this war because this war against the king, they wanted a complete democracy in France and also they want to end this monarchy in Europe. अब जाहिर सी बात है कि
ये जो वार था, यू नो, ये वार था कॉमनर्स ने, मिडिल क्लास पीपल ने, और जो वहाँ की आम जनता थे उन लोगों ने छेड़ा था. तो यू नो दिज आर, तो हियर वी कैन नॉट सी द वॉरियर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, फ्रॉम द रॉयल क्लास. यू नो दे कंजिस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स यू कैन से द अनस्किल्ड वॉर वॉरियर्स, कंट्री मैन, जो आम लोग थे वो इस वार में शामिल होते हैं बिकॉज वो चाहते थे, दे वॉन्टेड अ कम्प्लीट डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस में डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ जो अन्य मोनार्किस भी थी जो फ्रांस की देखा देखी उन्होंने लोगों को दमन करती थी, शोषण करती थी, एक्सप्लोइट करती थी, वो चाहते थे कि फ्रांस यूरोप के दूसरे जो कंट्रीज है वहाँ भी इसको मिटाया जा सके, ख़त्म की जा सके. अब देखो मर्जियलिस, आई वॉन्ट टू सम गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन, राइट. मर्जियलिस है क्या, सॉरी फॉर माई फ्रेंच इज नॉट गुड, सो इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेंच, इफ एनी वन ऑफ यू नोज द फ्रेंच देन प्लीज टेल मी वेदर इज अ मर्जियलिस और मर्जियलिस, आई डोंट नो. नाउ एक पोइट होते हैं जिनका नाम होता है रॉगेट दे एल इसले और रॉगेट डी एल आइसले, वॉट एवर हु एवर इट इज, अगेन दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, राइट. वो क्या करते हैं, यू नो, किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए, किसी भी जंग में, यू नो, फॉर एनी वॉर वी नीड सम बूस्टर, वी नीड सम एनकरेजमेंट. लेट्स टेक मी वन ईयर बैक, आपको एक साल पहले ले चलता हूँ, और क्लास एट का सेशन याद कीजिए, नेशनलिज्म, जब हमारे यहाँ नेशनलिज्म आया था तो यू नो लोगों ने स्लोगन्स दिए थे, लोगों ने कविताएं लिखी थी और कई सारे गीत लिखे गए थे. जस्ट सिमिलर, रिमेंबर द बंकिम नाथ चट्टोपाध्याय, ही हैज रिटन द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम. भगत सिंह ने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अंग्रेजों भारत छोड़ो, राइट. सो वहाँ पे क्या था, यू नो दीज आर द स्लोगन्स विच हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ ब्रिटिशर्स. यहाँ भी उन्होंने यही किया, वहाँ पे एक पोएट थे रॉगर्ट दे रॉजेट डी एल इसले और आइसले वॉट एवर, उन्होंने एक गीत कंपोज किया, यू नो ही कंपोज वन सॉन्ग हुज नेम इज़ द मर्जियलिस, राइट, जो नाउ डेज इट बिकम्स द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस. अब वो फ्रांस का नेशनल एंथम है. और उन्होंने जब इस गीत को लिखा, यू नो इट जस्ट एक्ट एज अ बूस्टर, इट जस्ट एक्ट एज द इनकरेज डोज फॉर दोज वॉलेंटियर्स एंड द कंट्रीजमैन, राइट. सो एक प्रकार का जैसे वंदे मातरम जो हमारे यहाँ काम किया था, वहाँ ही रॉजेट द्वारा लिखा मर्जियलिस काम करता, इट एक्ट एज अ बूस्टर, राइट, एंड इट जस्ट एंथुजियास्ट द पीपल टू गो एंड फाइट फॉर अगेंस्ट द प्रुशिया. एंड प्लीज से द अदर कंट्री नेम, वेरी गुड, अदर कंट्री नेम इज ऑस्ट्रिया. नाउ एज वी ऑल नो दैट इफ सम कंट्री, सम नेशन इज फाइटिंग अ वॉर, वॉर ऑलवेज क्रिएट अ डिवास्टेशंस एंड अ लॉस. यहाँ भी वही हुआ, वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ पे आर्थिक मंदी आ गई, एज एवरी वन वॉज पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि जो घर के मर्द थे, जो घर के पुरुष थे, यू नो द वर्किंग हैंड्स था, दे वेयर पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल फील्ड, वो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ लड़ रहे थे. एंड द कंडीशन बिकम सो वर्स दैट वीमेन कूप विथ टास्क विथ फाइन डेली अर्निंग्स, जो घर की महिलाएं थी दे आर सब, यू नो दे had to come out from their house for their daily earnings, यानी ब्रेड बटर के लिए, खुद के खाने के लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ा, कंडीशन इतनी खराब हो गई. बट स्टिल ऑफ दैट दे आर कीप फाइटिंग, दे कीप हेल्पिंग देयर हस्बैंड्स, यू नो देयर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज दे वॉन्ट अ एंड ऑफ दिस मोनार्की एंड दे वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी इन द फ्रांस. आई होप अप टू दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, in between this, a small group emerged up and they formed a political group or clubs who wish to discuss government policies and plan their own form of actions. Ab kya hai? जो एक ग्रुप था, यू नो वन ग्रुप वॉज ऑलरेडी फाइटिंग एंड दैट वॉलंटियर्स एंड द कंट्री मैन. अब इस बीच पे यू नो द क्राइसिस इज ऑन, द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन ऑन, लोगों के लिए, खुद के लिए खाना जुगाड़ कर पाना बेहद मुश्किल है. इस बीच क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल ग्रुप और मे बी क्लब्स इमर्ज होके आते हैं, जो बोलते हैं कि इन देयर एब्सेंसी वी विल टेक, you know, वी विल टेक केयर ऑफ दिस नेशनल असेंबली एंड वी विल फाइट फॉर द फ्रांस एंड वी विल टेक दिस नेशनल असेंबली अहेड, राइट. इनको एक वे पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं जिनको बोला जाता है क्लब्स या फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स, राइट. अब जाहिर एक पॉलिटिकल ग्रुप्स होगी, क्लब्स उसकी, उसका एक लीडर भी होगा, राइट. तो ऐसे ही एक पॉलिटिकल ग्रुप्स जो बने उनको कहा गया जैकोबिन्स. अमॉन्ग देम, सी द सेकंड पॉइंट, अमॉन्ग देम जैकोबिन्स वेयर मोस्ट prominent one. Now, who were the Jacobins? Let me tell you about something and about this Jacobins. These are very, very important, my dear boys and girls, because the thing is that, you know, they just changed the face of the
political face of the France, also they had an important position in the French Revolution. Now, in 1793, Maximilian Robespierre and some of his associates, जिनको बोला गया Montagnards, इनको क्या बोला गया Montagnards, right? Formed this allied Jacobin club, यानी 1793 में Jacobins club की स्थापना होती है. इनके leader, जो main leader कौन होते हैं, ये Maximilian Robespierre, right? और उनके associates द्वारा एक political club, एक Jacobin club की स्थापना की जाती है, founded which was known as the Jacobin. Now, who are the Jacobins? They were the most radical. I repeat again, might be you know, you won't see these last words. So, I am pronouncing, I am reading it for you. Try to understand who are the Jacobins. They were the most radical and ruthless of the political groups, and they killed all of them who were against French Revolution. Yani, जैकोबिन्स थे, यू नो, रेडिकल थे, कट्टरवादी थे, रथलिस थे, निर्दयी थे, और ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप से आते थे, यू नो, एंड दे हैव किल्ड ऑल द पर्सन्स, ऑल द, यू नो, द मेन वीमेन, एवरीवन हु हैज जस्ट रोज्ड, और जिनको लगा कि इनसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को खतरा है, राइट. और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बना लिए, स्पेशली जो इनके लीडर थे, डैट इज Maximilian Robespierre. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ Robespierre became increasingly popular for his attacks on the monarchy and his advocacy of democratic reforms, right? Robespierre जो क्या किया, you know, वो बहुत famous होते चले गए, क्योंकि उन्होंने democratic reforms, democratic सुधार की बात कही, और साथ ही साथ जो French Revolution चल रहा था, monarchy को ख़त्म करने की जो बात चल रही थी, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी speeches दिए, right? So he became the face of the France and he became the face of the French Revolution. Now, he dominated the National Assembly, and on 10th August, this year is very, very important, I am just highlighting, on the 10th August 1792, Jacobins and his people attacked at the place of Tuileries. Now, what is Tuileries? Yani, wo face ban gaye the, right, bahut important ho gaye the, aur war crisis ke chalte, क्या होता हुआ था, इट बिकम वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द कॉमन पीपल टू हैव अ ब्रेड एंड बटर, यानी उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके ब्रेड बटर खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी. तो एक्साइटेड मॉब क्या करता है, जैकोबिन्स का साथ देता है, और 10th August 1792, Jacobins and his people attacked at the place of Tuileries. Now, what is Tuileries? Tuileries is the place where kings are living, where the King Louis XVI are staying, right? Kings अपने रानी के साथ रहते थे. Now, you will say, sir, his place was Versailles. Very good. Versailles उनके महल का नाम था, उनके अंदर जो उनका उनकी जहाँ रहते थे, you know, his staying place, you can see living room was known as the Tuileries. So, सीधे वहाँ पे हमला करते हैं. Now, what happened? As a result, massacre took place and many people killed and the king was executed along with his family. लगभग हत्याकांड होती है, उनके गार्ड को मारा जाता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, क्योंकि excited mob होता है, जिनके मन में गुस्सा होता है, खाने को नहीं रहता, वार क्राइसिस होते हैं, उनके घर वाले बाहर होते हैं, यू नो, दे बिकम फ्यूरियस एंड दे डायरेक्टली अटैक्ड ऑन द Tuileries, right? As a result, massacre took place. उसके बाद क्या होता है, Robespierre, that is, he was the elite member of the Jacobins club, he asked, should we need the king? उनका सीधा क्वेश्चन होता है, should we really need the king? क्या हमें राजा की जरूरत है? अब वो है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. A referendum had been done and it was decided all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right of vote. उनको राजाओं के राजा को पूरे परिवार के साथ कैदी बनाने के बाद referendum means बोले तो voting, right? A voting has took place and new constitution has written, or you can say drafted. According to that, you know, all men of 21 years, again, see, no women, only men. So please try to understand. All men of 21 years. Previously, this age was how much? Ye age tha aapka. Previously, this age was 25, if I am not wrong, right? Please do the revisions, right? तो पहले जो age थी वो 25 थी, अब वो age कितना हो गया, 21. यानी 21 साल तक के जितने जो युवक हैं, पुरुष हैं, regardless of their caste, their creed, their language, their, you know, their styles and their different things, they got the right to do vote and the new elected assembly was called the convention. Pehle wo national assembly bula jata tha, ab jo nayi sabha chuni gayi thi, jo nayi
जो रेफरेंडम हुआ था उसके तहत दिस मेंबर्स वेर नोन एज द, अब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको क्या बोला जाता था, कन्वेंशन. नाउ ऑन सितंबर 21, 1792 फ्रांस एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक, राइट. सो फाइनली ऑन द 21 सितंबर 1792 इट वॉज द डे वेन द फ्रांस डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ रिपब्लिक, डिक्लेयर्ड हर सेल्फ रिपब्लिक अंडर द लीडरशिप ऑफ जैकोबिन्स एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉमनर्स एंड द मिडिल क्लास पीपल, राइट. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दिस इज अ होमवर्क टू यू, यू बिकॉज आई वॉन्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ड्रेस कोड ऑफ जैकोबिन्स एंड वॉट डू अंडरस्टैंड बाई द रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, राइट. एंड उसके बाद क्या हुआ, वॉट अबाउट द किंग्स, वी हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन, राइट, दैट जैकोबिन्स आस्क्ड, शुड वी रियली नीड द किंग्स, लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज, एंड किंग अलॉन्ग हिज वाइफ सेंटेंस टू डेथ बाई अ कोर्ट ऑन 21 January 1793 बाई गुलोटीन, राइट. नाउ दिस गुलोटीन इज अ काइंड ऑफ अ डिवाइस, यू नो, अ किलिंग डिवाइस विच वॉज introduced and widely used by the Jacobins, right. Isme kya hota tha, you know, it consists a blade which was used to behead the prisoners, to behead the culprit person, and you know, where the head was beheaded from the rest of the body, यानी सर से धर को अलग कर दिया जाता था, और बहुत फेमस हुआ था. जैकोबिन्स ने इसका वाइडली इस्तेमाल किया था. नाउ प्लीज टेल मी हु इन्वेंटेड द गिलोटिन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, राइट. अब क्या हो गया, लास्टली में जब फ्रांस ने रिपब्लिक घोषित किया, कन्वेंशन बना, वोटिंग राइट्स को घटाया गया, मेन को राइट्स मिला, डेट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, किंग जो थे लुईस 16 और उनकी वाइफ को मौत की सजा सुना दी गई, यानी उनको भी जीते जी उनको सर से उनके सर को काट दिया गया बाई द इंस्ट्रूमेंट, बाई द किलिंग इंस्ट्रूमेंट नोन एज द गिलोटिन, राइट. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कहा जाता है अबाउट द वाइफ, यू नो, उस वाइफ के बारे में, उस वो पत्नी. Now, would you please tell me what is the name of the wife of king? Very good, my dear boys and girls. Your answer is correct. Her name is Marie Antoinette, right? Or Antoniette, whatever this French name, so confusing. Anyway, kaha jata tha uske wife ke bare mein, you know, she has taken all the that bread, the flour, you know, the cake from the France to just to enhance his beauty. यानी उसने फ्रांस की जितनी जो केक्स थे ना, फ्लोर थे, जो फूड ग्रेन्स थे, उसका केक बनाया, उसका बिस्किट खाया, क्योंकि उसको अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार था, और वो बहुत, एंड रियली शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, राइट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और उसको अपनी ब्यूटी से इतना प्यार था कि उसको निखारने के लिए, यू नो, सी जस्ट टुक जितने जो आते थे सब का सब वो केक बना के और उसको खाती थी और निखारती थी, ब्रेड खाती थी वाइट वाइट, ताकि उसके स्किन पे ग्लो रहे. एज यूजुअल, यू नो गर्ल्स, नाउ गर्ल्स प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, बिकॉज द गर्ल्स लव देयर स्किन एंड दिस इज अ यूनिवर्सल truth. However, I'm not saying about you, I'm saying about the guillotine, but this is the truth, so please don't get offended. Now let's move to the next slide. Now the reign of terror, right. Now what is reign of terror? After this, you know, the king Louis XVI was died and the Jacobins was in the power. Now a period from 1793 to 94. Now how to remember this birth, yaad rakhna, your educator, that is me. My birth is 1993. So, usse 200 saal pehle. So, just remember 1793 to 94. Right? So, in the year 1793 to 94, this period in France was known as the Reign of Terror. Why? Because of Jacobin's club. Because of Robespierre. Because they were radical, ruthless and also a dubious person. ये भी कहा जाता है कि Robespierre और Jacobins Club के जो लीडर थे, जो मेन लीडर थे Robespierre, he was so radical, इतने कट्टरवाद थे, इतने निर्दयी थे और इतने शक्की मिजाज के थे, that you know he started killing the people, those जो भी republic के खिलाफ या government के खिलाफ, convention के खिलाफ कुछ भी बुरा बोलता, जिसके ऊपर शक भी होता, you know, he immediately killed him by the guillotine, चाहे वो clergy हो, nobles हो, political party और even peasants हो, right? And इनका खौफ इतना बढ़ गया था that he changed the entire political system of France, पूरी France का चेहरा ही बदल के रख दिया गया था. If anybody found guilty, he immediately he was guillotined, right? उसको उसी वक्त guillotined कर दिया गया था, and he changed the entire political system of France. Who?
Who is the person? Tell me the name. Yes, very good. Robert Peer. Very good, my boys and girls. Now, you know how he changed the society of the France, how he changed the face of the France. You know, he just made new rules and stipulations, like wages and price were fixed. Peasants were forced to sell their grain on fixed rate. Right, sorry. Wages and prices were fixed. Peasants were forced to sell their grain on fixed rates. यानी हर एक के लिए जो peasants जो कृषक थे उनका वेज कितना होगा, उनका डेली वेज कितना होगा वो फिक्स कर दिए गए थे. प्लस जो peasants थे यू नो दे वेर फोर्स्ड टू सेल देयर फूड ग्रेन्स फ्रॉम द विलेज टू सिटी एट अ फिक्स्ड रेट. कि आप इससे ना तो ऊपर बेचोगे ना कम बेचोगे. इट मीन्स वी क्लियरली से दैट देयर वॉज नॉट अ प्रॉपर मार्केट पॉलिसी. Not they are not having a bargaining policy, right? It means he is just creating his own rules and regulations. Who? The Jacobins Club, the Robespierre. What is fool's name? Maximilian Robespierre, right? Peoples were forced to eat whole wheat bread. एक और ब्रेड का नाम है, यू जस्ट टेल मी अबाउट दैट. नाउ आई एम सेइंग अबाउट होल व्हीट ब्रेड एंड नॉट व्हाइट ब्रेड, बिकॉज इन होल व्हीट जो ब्रेड होता था इट वाज अ लो क्वालिटी ऑफ ब्रेड. यानी उनको दबाव डाला गया था कि आप होल व्हीट ब्रेड खाइए. इवन यू नो ही जस्ट चेंज द सैल्यूटेशन. किस तरह अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम श्री श्रीमती श्रीमान लगाते हैं या फिर सर मैडम बोलते हैं. बट ही हियर यू नो ही बिकम द ही मेड द फ्रांस रिपब्लिक एंड ही वॉज रूलिंग इन द फ्रांस. ही जस्ट change the salutation form. Addressing of people was also changed. Addressing of people with common salutation was forbidden and citoyen or citoyenne was used. It means you know jo France mein sir ko monsieur bolte hain, right? और मैडम को मैडम ही बोलते हैं, राइट? एंड तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई सर नहीं, कोई मैडम नहीं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, यहाँ पे सब सिटीजन है. अगर इफ ही इज अ मैन देन वी विल यूज सिटोयन, इफ ही इज अ वीमेन देन वी विल यूज द सिटोयन. यानी भैया किसी को आदर से नहीं बुलाना है, सब यहाँ नागरिक है. यानी इट मीन्स यू नो ही वॉज जस्ट स्नैचिंग द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल. At last, this Jacobin club was ended by the member of the club when they arrested Robespierre and he was executed with many of his supporters by guillotine on July 28, 1794. This is the date जब उनकी मौत हो जाती है. क्या होती है, इतनी ज़्यादा शक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रूल्स लाते हैं और ऐसा रेन ऑफ टेरर लाते हैं, पॉलिटिकल फेस चेंज करके रख देते हैं. किसी को कोई सम्मान नहीं, कोई यू नो खाने के लिए आपको होल व्हीट ब्रेड खाना है, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, राइट? यहाँ पे सब सारे लोग एक बराबर है और जिस पे थोड़ा सा शक हो सीधे मार डालो, सीधे ब्लेड से सर से उसके धर को अलग कर दो. व्हाट काइंड ऑफ रूल इज दिस? एज ए रिजल्ट उनके ही क्लब के मेंबर्स तंग आकर उनको ही लास्ट में उसी गुलेटाइन से उनको मार दिया जाता है जिसका वो वाइडली यूज करते थे और लोगों को डराते थे. वो हथियार उनका ही मौत का कारण बनता है. एंड द डे वॉज July 28, 1794 एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द जैकोबिन. आई वुड लाइक टू वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर अबाउट द जैकोबिन. दिस जैकोबिन क्लब वॉज ऑल्सो यू नो ऑल्सो सॉरी दिस जैकोबिन क्लब वॉज ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, राइट? टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो द एक्टिव मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब. इन्होंने भी जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया था व्हेन वेयर ही ट्रांसप्लांट वन ट्री. आई एम फॉरगॉट द नेम ऑफ द ट्री इन सेरिंगापट्टनम, राइट? तो हमारे इंडियंस के रूलर्स का भी वजूद रहा है जैकोबिन क्लब के साथ. एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना. रूलर का नाम है टिप्पू. नाउ डोंट राइट माई नेम बिट्टू, राइट? आई एम नॉट अ क्रूएल एंड रथलेस लाइक टिप्पू. Just say that Tipu also have a connections with the Jacobins Club. Now the fall of Jacobin Club allowed the wealthier middle class to seize power. अब क्या होता है, Jacobin Club का पतन हो जाता है, गिर जाते हैं. And you know there was ultimate a rose of news power, you know new power. Now after the close of the club, after the closure of the club, the assembly come back to the power, right? यानी एक नई assembly आती है, दो type की assembly होती है. That is the
एक न्यू असेंबली आती है एंड इट कंसिस्ट एंड यू नो इट कंसिस्ट एंड अपॉइंटेड अ 5-member कमिटी इन 1795 वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रेंच डायरेक्टरी. सो इट मींस आफ्टर द एंड ऑफ द जैकोबिन एरा, जैकोबिन क्लब की मौत के बाद उनका जो कन्वेंशन होता है उसके ख़त्म करने के बाद फ्रांस में अभी भी रिपब्लिक रहता है, पर दिस टाइम यू नो द पावर, द मेन कंट्रोल अथॉरिटी गॉन इन द हैंड्स ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच डायरेक्टरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ 5-member टीम और 5-member कमिटी विच वॉज फाउंडेड बाई इन द 1795 बाई द मिडिल क्लास पीपल, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, राइट, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. ओके, बट विल इट लॉन्ग लास्ट? नो माई डियर, दिस वोंट गो फॉर लास्ट बिकॉज But due to its corruption, people began to question its legitimacy. उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी नीयत पर, और इतने ज़्यादा उसमें competition हो जाती है, corruption हो जाते हैं, लोग इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाने लगते हैं, and ultimately it decline, और वो गिर जाता है. As a result, by seeing this opportunity, by seeing this political disturbance, it led the speed and the rise of military dictator, that is नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन बोनापार्टे, राइट. इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ का जो एक आप नेपोलियन बोनापार्ट कौन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. सिर्फ दो टॉपिक रह जाएंगे इसके बाद, दैट इज़ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड वी विल नो अबाउट द नेपोलियन ऑफ बोनापार्ट, राइट. इसी का फ़ायदा उठाकर फ्रांस की में एक नया पावर आता है, एक नई अथॉरिटी आती है, फ्रेंच डायरेक्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रेंच डायरेक्टरी ख़त्म होने के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, राइट. I hope up to this clear. Now one information, till now we have only learnt about the man, Louis XVI, right? Middle class का जन्म होना, उनका विद्रोह करना, National Assembly बनाना, right? फिर convention बनाना, फिर Jacobins आना, फिर Prussia में war होना, it means all it consists the role of a man. But do we notice that there is a role of women too? महिलाओं ने भी योगदान दिया है. Just try to remember when the Prussia-Austria war is on, that time women was working for their daily food, you know, for their daily earnings, to feed their children and to feed their family. So it means, but till now they, you know, their rights hasn't recognized. As a result, इनकी जो उसको उनको recognized करने के लिए, उनकी value देने के लिए जो जो हमारी women होती है वो भी revolt करती है, and they also played a vital role in this French Revolution. And afterwards, you know, in finally in the year I think 1846 or 1946, I guess, yeah, 1946, you know, they got the voting right. उनकी जो demands होती है उनको बोला जाता है, you know, उनका कहना होता है कि they should also get the study, they should also, you know, get their basic study in the school and colleges, right. They should be set free to select their husband, her father, कि कहीं से भी कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए, right. They are allowed to use the option of divorce, right. उनको भी voting right मिलने चाहिए, उनको भी republic सरकार का हिस्सा बना, और ये सब चीज़ें होती हैं after the French Directory, और ये सारी मांग होती है. But lastly voting rights मिलता है आपके कौन से साल में, in the year 1946 if I am not wrong, please cross check this, right. So we can directly say that there is a role of women because they not only want to stay at home, you know, they worked hard along with their men's, and their right must be recognized. That's why they demand for their voting right, they demand to select their husband, they demand to have a divorcee life, right. Chahe divorce ho sake uske baad wo reh sake, school colleges mein unko padhna chahiye, सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी वहाँ पे पोस्ट देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती है. नाउ आई होप दैट अप टू दिस यू हैव अंडरस्टूड एंड देर इज़ नो डाउट एट ऑल, एंड इफ देर इज समथिंग यू कैन यू आर फ्री टू गिव योर आंसर्स ऑन योर मेल और ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और मे बी यू सिंपली कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड वन मोर टॉपिक अबाउट द नेपोलियन, देन वी विल गोइंग टू complete this entire French Revolution. I hope you understood, my dear. If you hasn't, then please let me know, right. This is your educator, that is Anup Singh. So till then, stay safe, stay happy, and stay fit, and please take care of yourself. Keep learning, keep watching, and keep loving.
Thank you so much. This is your educator. That is me. देख पा रहे हो? देख लो, right? So once again, bye-bye. Take care and have a nice day ahead. Thank you.